और अब खबर अगली, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ताबड़तोड़ सभाएं जारी हैं, जहां पर खंडवा, मंदसौर, उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन के गजनी खेड़ी में चामुंडा धाम के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के कई सभाएं, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगने की अपील करेंगे। नामांकन फॉर्म भरते वक्त ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खंडवा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आज तूफानी प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री। खंडवा, मंदसौर, उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। सुबह 10:55 पर भोपाल से खंडवा पहुंचेंगे। खंडवा में लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन के दौरान उपस्थित रहेंगे और इसके पश्चात मुख्यमंत्री मंदसौर के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार प्रसार जारी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए भाजपा के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार तूफानी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज खंडवा के दौरे पर रहेंगे, प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में अपील करेंगे और नामांकन फॉर्म भरते वक्त उपस्थित रहेंगे। चलिए, और हमारे साथ ललित शंकर मंदसौर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। ललित, आवाज मिल रही है आपको? जी। ललित, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तूफानी प्रचार प्रसार हो रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की या देश के आला कमानों की भारतीय जनता पार्टी में, तो जितने भी बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और ऐसे में आज मंदसौर, खंडवा इन्हीं क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मंदसौर में कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है मंदसौर में आज मुख्यमंत्री का? जी, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर पहुंचेंगे। लगभग दोपहर 1:40 पर हवाई मार्ग से मंदसौर पहुंचेंगे। उसके बाद वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहेंगे। उसके बाद वह आम सभा के लिए गांधी चौराहे पहुंचेंगे, जहां पर वह आम सभा को संबोधित करेंगे एवं भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में वोट मांगेंगे। इसके बाद वह यहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस रोड शो की शुरुआत गांधी चौराहे से करेंगे, जिसके बाद वह बस स्टैंड मार्ग से होते हुए घंटाघर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया, वीर सावर विजय, राजा गुलाब गेट होते हुए भगवान पशुपतिनाथ पहुंचेंगे, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद वह खंडवा जो उनके चुनावी दौरे है वहां के लिए रवाना होंगे। ललित, आप बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं मंदसौर से सुधीर, उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आएंगे, क्या रैली भी निकालेंगे मंदसौर में? जी, वह रोड शो भी करेंगे। लगभग वह 1.5 घंटे का रोड शो मंदसौर में करेंगे एवं भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के पक्ष में वोट मांगेंगे। सुधीर गुप्ता की अगर हम आपसे जानकारी चाहें तो किस तरह की जानकारी मिलती है, सुधीर गुप्ता किस तरह के प्रत्याशी हैं, कितना प्रभाव छोड़ते हैं अपना मंदसौर क्षेत्र में? वह लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वह पूर्व में भी सांसद रहे और अब फिर वर्तमान वापस उनको भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और वह लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और अब फिर वापस वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो मंदसौर संसदीय क्षेत्र है जो लगातार भाजपा गढ़ रहा है, जहाँ पर लगातार भाजपा की जीत हुई है, अब अभी वो लगातार सक्रिय और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ललित, और हम आपसे सुधीर गुप्ता के बारे में ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने तीसरी बार उनको टिकट मिला है सांसद के लिए,
आप ये बताएं विपक्ष से उनके सामने कौन खड़ा है और किस तरह की टक्कर इस बार नजर आ रही है? इस बार कांग्रेस से दिलीप सिंह गुज्जर जो कि नागदा के पूर्व विधायक है उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब की बार दोनों के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। दोनों लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए, दोनों की तरफ से बड़े बड़े नेता यहाँ पर सभा करने पहुंचेंगे और अभी फिलहाल मुहूर्त का जो फॉर्म है वो सांसद सुधीर गुप्ता ने भर दिया है, लेकिन अब वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। ललित, जैसे कि आज नामांकन दाखिल करने सुधीर गुप्ता के नामांकन में मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित रहेंगे, और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नामांकन भरते वक्त तो कौन उनका दिग्गज नेता वहां पर उनके साथ मौजूद रहेगा? क्या लगता है आपको, कोई ऐसा नेता जो उनको संबल देने के लिए, उनके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए वहां पर मौजूद रहेगा? फिलहाल सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है ललित, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता ललित शंकर ने बताया कि आज मुख्यमंत्री का उज्जैन, मंदसौर और खंडवा का दौरा रहेगा, प्रत्याशियों के समर्थन में रैली जनसभा को संबोधित करेंगे, नामांकन भरते वक्त उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आज तूफानी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे।